हेलो दोस्तों, बात करेंगे कर्नाटक टी20 लीग के बारे में। ये आज का मैच है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है जो लॉयन की टीम में है। मैं आपको बता दूं, अभिनव मुकुंद जो है वो इस मैच में नहीं खेलेंगे दोस्तों। अगर आपने लिया होगा तो जल्दी से रिमूव कर दे। फिर बात करेंगे हुबली टाइगर के बीच में, इस मैच में बहुत बड़े चेंज है। तो आपको बता दूँ, मैं आपको सभी जो चेंज है वो बता दूंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना दोस्तों। तो देखेंगे क्या हो सकती है कर्नाटका टी20 लीग की जो ये मैच है उसकी ड्रीम इलेवन टीम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपके आपको अगर इस मैच में विन करना है तो आपको क्या करने होंगे, थोड़ा रिस्क लेना होगा। तो मैं आपको बता दूंगा जो लायन की टीम है उसके में इसमें आपको मैं चेंज बता दूंगा दोस्तों। तो आप उससे अच्छा पैसा विन कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपने पिछले मैचेस में विन किया होगा तो मुझे ज़रूर बताया करें और कमेंट में बता दिया करें कि मैं विन किया हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बता रहे हो, तो मुझे जो है वो मोटिवेशन मिल जाएगा दोस्तों कि भाई मेरे वीडियोस देख के भी कोई विन कर रहा है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो मैं और अच्छे जो अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपको अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। तो देख लेते हैं क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम दोस्तों। आपके पास विकेट कीपिंग सेक्शन में चार ऑप्शन है। चार से मैं आपको बता दूँ कि दोनों आपको कन्फर्म खेलते नज़र आ जाएंगे। अगर ये दोनों खेलते नज़र आ जाएंगे, बी आर शरद और नितिन बिल्ली। अगर आप एकदम सेफ जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैश करके नितिन बिल्ला को ले सकते हो। पर मैं थोड़ा रिस्की ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, बी आर शरद के साथ जाना चाहता हूँ। मैं आप क्यों जाना चाहता हूँ कि मुझे इनको लेना है और इनको मुझे पता है ये किस नंबर पे खेलते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे खेलते हैं, एक तो फर्स्ट नंबर पे खेलेंगे, एक तो थर्ड या फोर्थ नंबर पे खेलेंगे दोस्तों। तो आप इनको ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। अगर चाहो नितिन बिल्ले को लेना तो ले सकते हो, बिल्कुल कन्फर्म ये भी खेल देने जरा आ जाएंगे। आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो दोस्तों। फिर बात करेंगे, मयंक अग्रवाल इस मैच में नहीं खेलेंगे, जोशी इस मैच में नहीं खेलेंगे, मोहम्मद तहा आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। इनको आप ले सकते हो, फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे। फिर बात करूँ को जॉनथन आपको तीन या चार नंबर पे खेलते नज़र आ जाएंगे, आप इनको ले सकते हो। फिर नीचे की बात करें तो लियान खान आपको फर्स्ट नंबर पर बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, आप इनको ले सकते हो। अभिषेक रेड्डी आपको मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ जाएंगे, आप इनको ले सकते हो दोस्तों। आपको बता दो, अगर ग्रैंड लीग में किसी को ट्राई करना है आपको तो सुनील जोशी को ट्राई कर सकते हो और गौड़ा को ट्राई कर सकते हो। इनको बहुत कम लोगों ने लिया है। अगर आप लेते हो और ग्रैंड लीग में चल जाते हैं तो आपके लिए वन साइड ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए कौन अच्छे चॉइस हो सकते हैं। मैं आपको उससे पहले बता दूं, इस मैच में आप अगर चाहो तो टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज ले लो दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस मैच में जो है वो बारिश गिरने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अगर बारिश गिरती है तो मैच ओवर्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ले सकते हो। फिर आपको बता दूं, विनय कुमार को आप ले सकते हो, क्रांतिक कुमार को आप ले सकते हो। ये आपको बता दूँ, ये भी इनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, ये अगर आपने पिछले ईयर की जो T20 कर्नाटका T20 लीग फॉलो की होगी तो आपको पता होगा क्रांति कुमार के बारे में बता दूँ आपको दोस्तों कि ये जो है वो ओपनिंग किए थे पिछले मैचेस में, पिछले ईयर के मैचेस में TNPI कर्नाटका लीग के दोस्तों। तो आपको बताए, अगर ओपनिंग करते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं तो आपके लिए हमारे लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं क्रांति कुमार। तो इसलिए हमने इनको लिया हुआ है दोस्तों, क्रांति कुमार को लिया हुआ है। फिर किशोर कमेंट को ले सकते हो। और मैं आपको ऐसा एक और बताने वाला हूँ क्रांति कुमार के जैसा, जिन्होंने ओपनिंग की थी पिछले मैचेस में, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा दोस्तों। फिर आपके लिए अगर किसी को लेना है आपको तो आप ले सकते हो पृथ्वीराज शेखावत को, ये भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सिर्फ बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी जो है वो 9 नंबर पर करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर लेना है तो ले सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में। फिर बात करेंगे, अगर आप चाहो तो दुबे को ले सकते हो। अभिमन्यु मुकुंद आपको इस मैच में खेलते नज़र नहीं आएंगे, अगर आपने लिया होगा तो जल्दी से रिमूव कर दो दोस्तों। मैं बता दूं आपको कितने परसेंट लोगों ने ले रखा है, उनको देखो कितने परसेंट लोगों ने ले रखा है, 59% लोगों ने ले रखा है। अगर उसमें आप भी है तो जल्दी से इनको रिमूव कर ले दोस्तों, ये आपको इस मैच में 100% खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। फिर बात करेंगे, अनिल को आप ले सकते हो, सरफराज
सरफराज को आप ले सकते हो। मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा था कि ये भी जो है वो ओपनिंग करते हुए नज़र आ गए पिछले मैचेस में, तो दोस्तों आप इनको ले सकते हो। अगर इस मैच में भी ओपनिंग कर जाते हैं तो हम वन साइड इनको इनसे मैच जीत सकते हैं। अगर और किसी के साथ जाना चाहते हो तो आदित्य सोमन्ना है, इनको भी आप ले सकते हो दोस्तों, ये भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। नीचे कुछ खास ऑप्शन है नहीं। फिर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी को लेना चाहो तो अभिनव मुकुंद को तो नहीं लेना है, अभिषेक खुजुन सुकुच को आप ले सकते हो, ये भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाए, शाहिद खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। फिर बात करेंगे तो नीचे कुछ खास ऑप्शन है नहीं दोस्तों, इन तीनों के साथ आप जा सकते हो, आज अनिल के साथ, सरफराज के साथ और जा सकते हो आदित्य सोमन के साथ, इन तीनों ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और अगर बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में तो मैं आपको बोल दूँ दोस्तों, हम फाइनल प्रूफ देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँ वही आप रखें, आपका अगर लग कच्चा हो तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन चल जाएंगे, मेरा अगर लग कच्चा हो तो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन चल जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रख लिया करो। मैंने जो रखा है वो ताऊ को रखा है और लियान खान को रखा है, अगर आप चाहो तो विनय कुमार को भी रख सकते हो, कामंत को भी रख सकते हो, रेड्डी को भी रख सकते हो और जॉनसन को भी रख सकते हो। ये चारों ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ही आप इन चारों को ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।